नमस्कार, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत रोड नंबर 1 के पास बड़ा हनुमान मंदिर में बीती रात चोरों ने मेन गेट का शीशा तोड़कर अंदर घुसे और मंदिर में रखे दान पेटी का ताला तोड़कर सारा पैसा लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बारे में मंदिर के पुजारी ने दी जानकारी। सूचना मिली कि मंदिर में चोरी हो गई है और मैं इसकी निंदा करता हूं कि जिस शहर में जहां मात्र थाना 50 मीटर की दूरी में है, चहल पहल वाले इलाके हैं, पूरे सीसीटीवी सर्विलांस में है, वहाँ भगवान सुरक्षित नहीं है। वहाँ ताला तोड़कर मंदिर का प्रवेश द्वार का शीशा तोड़कर, गर्भगृह का शीशा तोड़कर 2 महीने से दान पेटी में जमा राशि को ले जाना निश्चित रूप से चोरों के मनोबल को बढ़ा हुआ दर्शाता है। मैं जिले के SSP महोदय से मांग करता हूँ कि कृपया आप स्वयं इस मामले में संज्ञान लीजिए, क्योंकि सीधे सीधे ना चोरी का मामला है बल्कि हिंदू की आस्था और धर्म से भी जुड़ा हुआ मामला है। हम तो PCR2 में ड्यूटी में थे, 100 डेट से खबर आया कि महावीर मंदिर में जाके देखिए तो चोरी का सूचना है। वहाँ गए, वहाँ पंडित जी लोग थे और लोग पूछने पर बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर देखे कि शीशा उसा फोड़ा हुआ है, शीशा के माध्यम से अंदर है कि दान पेटी के टूटा हुआ है। बताए लोग कि इसमें पैसा था नहीं जानकारी मिला। हाँ, तो उसमें पकड़ाया वगैरह के नहीं अभी तो कार्रवाई होगा, जांच चल रहा। हाँ, आपका नाम बोले। मेरा नाम तो SI उदय प्रसाद हुआ। मैं सीमा देवी जी, क्या हुआ पता चला आप लोगों को? हम लोग योगा करने आते हैं डेली मंदिर का हॉल में, तो हम लोग प्रणाम करने आए तो देखे कि मतलब कांच टूटा हुआ है और सब कोई बोला कि गेट बंद है, पूजा आज नहीं हो रहा है, तो पता चला कि मंदिर में चोरी हुआ। क्या क्या देखे आप लोग? तो हम लोग जब थोड़ा देर के बाद अंदर सब पुलिस वाले लोग आए तो हम लोग अंदर घुसे तो देखे कि कांच सब टूटा हुआ है, आगे का भी कांच टूटा हुआ है और यहाँ का भी, और मंदिर का जो ट्रस्ट है अंदर वाला पूरा ताला तोड़ के पैसा निकाला गया है, सब ले गया है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में, भगवान के यहाँ से भी चोरी हुआ ना? अब तो हम लोग वो देखे कि टूटा हुआ है तो अब तो सामान तो नहीं पता, लेकिन ट्रस्ट पूरा तोड़ा हुआ है, खराब है, खराब बात है। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो भगवान का दरबार है, भगवान का दरबार में चोरी नहीं होना चाहिए, ये बहुत खराब बात है। सुबह जब पंडित जी ने यहाँ मंदिर खोला, मंदिर खोला भी नहीं, मना आए तो देखे कि शीशा टूटा हुआ है, तो हमारे अध्यक्ष जी को फ़ोन किया और अध्यक्ष जी ने फिर मुझे फ़ोन किया, तो फिर जो है हम लोग हमारे यहाँ के जो स्टाफ हैं वो आए, उमेश जी आए और आकर के फिर हम लोग वहाँ पर देखे, थाना को खबर किए, थाना का रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था सुबह सुबह के कारण, 100 नंबर डायल में किए तो वहाँ से फिर तुरंत PCR आए और आने के बाद हम लोग यहाँ पर वहाँ देखे, वहाँ का देखने के बाद उसका लॉकर टूटा हुआ था। पहले तो जो आप लोगों ने देख लिया था कि किस तरह शटर से घुसा हो, तो और उसके बाद जो है आने के बाद हम लोग यहाँ कैमरा में देखे, देखने के बाद उस चोर की शिनाख्त का प्रयास किया गया है। कितना पैसा होगा लगभग? देखिए लगभग तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्योंकि दान का चीज़ है, लोक रहता है, फेस्टिवल रहता तो कभी ज़्यादा भी आ जाता, 70-80 हज़ार ज़्यादा आ जाता, फेस्टिवल कम रहता तो 40-50 हज़ार रुपया भी आता है। कितने महीना का था उसमें? ये हमको लग रहा है कि 2 महीना पहले हम लोग खोले थे, 2.5 महीना पहले, 2.5 महीना हो गया होगा करीब, या 3 महीना हुआ होगा ज़्यादा। अपना नाम बता दीजिए। शिव प्रकाश शर्मा, सचिव श्रीमद महादेव मंदिर समिति। राजेश पांडे। हाँ, राजेश पांडे। रात में कितने बजे बंद करके गए थे मंदिर को? मंदिर तो हम लोग सब लोग साथ ही बंद करते हैं, 3-4 पंडित रहते हैं, 9 बजे हम लोग बंद करते हैं। सुबह कितना बजे आए? सुबह 4:30 बजे आप आए? हाँ, हम रेगुलर खोलते हैं मंदिर को सुबह में। आप ही खोलते हैं? हाँ। क्या हुआ आज? खुले तो देखे शीशा फूटा हुआ है, लोग जो शटर था उठा हुआ था, हम कहे पंडित जी से कि देखिए ना इस तरह की बात है, तो इन्होंने जाकर देखा कि अंदर खुला हुआ है, शीशा तोड़ा हुआ है, गर्भ होला अंदर का भी। हाँ, जान पेटी पैसा निकाला गया है। कितना महीना का पैसा था? करीब 1-1.5 महीना लगभग। कितना होगा अब ये तो मालूम नहीं कितना होगा, मतलब 1.5-2 महीना का लगभग ना? लगभग हाँ 1.5 महीना। जी, क्या नाम आपका है? क्या नाम है आपका? राजेश पांडे। आप खोलते हैं मंदिर? हम
मंदिर कोई खोल सकता है, अभी पंडित जी खोलते हैं, हम लोग कोई फिक्स नहीं है, जो पहले उठा वो मंदिर खोल देता है। आज आप खोले? हाँ तो देखे ना,